कोरोना लॉकडाउन के बाद स्कूलों के ऑनलाइन क्लास लेने के फैसले से कई माता पिता नाखुश थे। तर्क यह भी था कि छोटे बच्चों को मोबाइल कंप्यूटर से दूर रखा जाए, ऐसे में ऑनलाइन क्लास ठीक नहीं होंगी। अब इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किया है कि KG 1, KG 2 और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर तुरंत रोक लगा दी जाए। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि KG 1, KG 2 और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर तुरंत रोक लगा दी जाए। वहीं कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन 2 सत्र 30 से 45 मिनट के प्रति सत्र की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा सकेंगी। विभाग का कहना भी है कि निजी स्कूलों द्वारा प्राइमरी के बच्चों के लिए अनियंत्रित और लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही थी। छोटे बच्चों में मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करने से कई शिकायतें भी मिल रही थी। इसे देखते हुए प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं में ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगाई गई है। विभाग का मानना है कि कई परिवार और बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट उपलब्ध ना होने की शिकायत भी मिल रही थी। अब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे अभिभावक व विद्यार्थी उसे अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।